सांस के समय खुरखुर की आवाज आना। यस दोस्तों, जब आप ब्रीदिंग कर रहे हो तो आपको सही 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 या आपके गले से घर घर की आवाज आना। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले देखिए, बेल आइकॉन को प्रेस करना है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे ऐसे अनेक उपयोगी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। दोस्तों, जब हम कई बार ब्रीदिंग करते हैं तो हमारे गले में ऐसे गर 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 आवाज आती है, या कई बार हमारे सीने में ऐसी आवाज आती है। सो ये जो आवाज की जो प्रॉब्लम है दोस्तों, उसके कारण की बात करते हैं तो हमारा जो अंदर का जो ब्रीदिंग सिस्टम है उसके अंदर इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन है, उसके कारण ये प्रॉब्लम्स आपको होती है। इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन वायरल भी हो सकता है, बैक्टीरियल भी हो सकता है और एलर्जिक भी हो सकता है। 90% पॉपुलेशन में दोस्तों मोस्टली ये जो प्रॉब्लम है वो हमारी नोज की जो है एलर्जी है उससे स्टार्ट होता है। इन्फेक्शन नोज की एलर्जी के कारण नाक के अंदर, क्योंकि आपको पता है दोस्तों नोज हमारा बॉडी का ब्रीदिंग ऑर्गन है, वो हमारे ब्रीदिंग का रिसेप्शन है, तो नोज के अंदर यहाँ पे क्या होता है कि जो अंदर म्यूकोजा में स्वेलिंग आती है, स्वेलिंग के कारण इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लामेशन होता है, एंड इन्फ्लामेशन के बाद जो सारा जो फ्लूड बनता है वो गले में जाता है, उसको बार बार क्लीन करने के लिए हम लाइक यूं खुर खुर की आवाज करते हैं। और ये बहुत बार जब हम नहीं पहचान पाते, जब हमारा प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पाता, तो ये यहाँ का इन्फेक्शन और अंदर की हमारी जो है लंग्स और फेफड़ों में जाने से वहां पे भी चू 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 ऐसी जो है जिसको हम वीजेज और रोंकाई बोलते हैं वो भी आने लग जाते हैं, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि फ्लूड इकट्ठा हो जाता है और उसको निकालने के लिए आपको बार बार खांसी आती है। दोस्तों बहुत बार क्या है, जैसे बच्चों में ये प्रॉब्लम होती है तो खांसी के कारण आपको बेसिकली वोमिटिंग भी हो जाती है एंड और एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। सो अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो हम डॉक्टर को दिखा सकते हैं, कुछ इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, ब्लड के टेस्ट होते हैं, नोज का एग्जामिनेशन किया जाता है, चेस्ट एक्सरे कराया जाता है, एलर्जी का टेस्ट कराया जाता है। इन तीन चार चीजों के माध्यम से दोस्तों सबसे पहले हम ये पता लगा लेते हैं कि हमें किस चीज के कारण प्रॉब्लम है, उसके कारण को आइडेंटिफाई किया जाता है, सबसे पहले उस प्रॉब्लम को कंट्रोल किया जाता है, एंड उसके बाद उसकी आगे उसकी रोकथाम के लिए कुछ सुझाव, कुछ होम रेमेडीज एंड कुछ मेडिकेशन दिए जाते हैं। आपका रोल इसमें, आप प्राणायाम भी कर सकते हो, आप इसमें जॉगिंग भी कर सकते हो, आप इसमें जो है वो वॉकिंग भी कर सकते हो, एक्सरसाइज से आपको बहुत बेनिफिट होता है। एंड आपको उसमें क्या अवॉइड करना है, स्मोकिंग अवॉइड करना है, अल्कोहल अवॉइड करना है, बर्फ की चीजें चिल्ड चीजें अवॉइड करना है, हाईली स्पाइसी फूड अवॉइड करना है। आपके घर में कोई पेट है तो आप उसको जो है वो बार बार उसको जो है नहलाना और क्लीन रखना, आपकी बेड शीट्स वगैरह हैं, आपके पिलो कवर्स हैं, इनको भी आप कंटिन्यू कहें क्लीन करना आपको बनता है। सो दोस्तों, आप इस जो गले में हमें आवाज आती है, घर घर की आवाज आती है, उससे हमें बचाव हो सकता है। सो देखा आपने कितनी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है जिससे हम परेशान हैं और जिसका कारण और उपाय हमें पता लग रहा है। सो तुरंत दोस्तों ये जो वीडियो है वो हमारे फ्रेंड्स एंड कलीग्स को शेयर करना चाहिए, जिससे उनको ये प्रॉब्लम है तो वो डेफिनेटली डॉक्टर से कंसल्ट कर सकें एंड उसके लिए बेनिफिट हो सके। थैंक यू।